नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की खबर जुड़ी दो अलग अलग घटनाओं की, जो जहां अनहोनी होते बची। एक घटना है नालासोपारा के सेंट्रल पार्क की, जहां फोन पर बात करने के चलते एक लड़की बिल्डिंग की छत से गिर गई। तो यही दूसरी घटना है वसई के सन सिटी की, जहां घर में गैस हिसाब के चलते घायल हुए, बेहोश हुए पिता पुत्र को बचाया गया। इस पहली घटना की बात करूं, जो पहली घटना नालासोपारा के सेंट्रल पार्क में घटी, वो घटना कल की है। और नालासोपारा के सेंट्रल पार्क रजनी अपार्टमेंट में दूसरे माले पर रहने वाली श्रुति नाम की एक युवती, 19-20 साल की युवती, जब अपनी बिल्डिंग के छत के ऊपर चढ़कर फोन पर किसी से बात कर रही थी, तब अचानक वो बिल्डिंग की छत से गिर पड़ी। वो जब गिरी तो दूसरे माले पर लोहे की छत थी, उस पर आकर टिकी। हालांकि इस वजह से उसको चोटें आई। बाद में इस मामले की जानकारी जब आसपास वाले लोगों को हुई, उन्होंने तुरंत ही अग्निशमन दल को और बुलाया। अग्निशमन दल वहां पहुंचा, उसने लोहे की ग्रिल काटकर दूसरे माले की छत से उस श्रुति को बचाया और उसको अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में श्रुति घायल हो चुकी है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। अभी बात करूं दूसरी घटना की, तो दूसरी घटना वसई के सन सिटी की है, जहां सन सिटी की पुलिस चौकी के थोड़ी दूर में एक घर में गैस रिसाव हुआ, जिसके चलते पिता पुत्र की तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गए। कुछ घंटे तक वो बेहोश थे, लेकिन किसी तरह इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी, तो पुलिस ने तुरंत ही घर पर वहां जाकर उन दोनों ही पिता पुत्र को रेस्क्यू किया, वहां से उनको निकाला और उनको वसई के पंचवटी योग्यम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां योग्यम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनकी निगरानी में इलाज किया डॉक्टरों ने, और दोनों ही पिता पुत्र के प्राण बचा लिए गए। यह घटना 9 सितंबर की है। तो इस तरह से दो घटना में दो अनहोनी होते होते बची, जहां बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इन दोनों ही घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, आप आगे वीडियो में सुनिए। वीडियो में आगे पहले नालासोपारा रजनी अपार्टमेंट की जो घटना है, उसके प्रत्यक्षदर्शी का बयान है, उसके बाद में वसई सन सिटी वाले मामले के प्रत्यक्षदर्शियों का और का बयान है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। 6:30 बजे हम लोग मालूम पड़ा, हमारे घर में अचानक आवाज़ आया, बहुत ज़्यादा आवाज़ आया, हमारी कंसील लाइट फैन सब गिर गया नीचे। तो फिर मिसेस ने घबरा के बाहर आने लगी, क्या हो गया। इतने में फिर पड़ोसी आके बताया कि आपके छत पे कोई गिरा पड़ा है। फिर दौड़ भागो पर जाके देखे तो ये श्रुति नाम की लड़की है, उनके पिताजी हैं मिस्टर पांडे जी, भूपेश पांडे जी, उनकी सेकंड नंबर की लड़की, वो गिरी पड़ी थी। लगभग 18-20 साल का उसका एज है, वो गिरी थी। किसी ने धक्का दिया या? नहीं नहीं, ये तो हमको नहीं पता था कोई धक्का क्यों देगा। वो छत पर अकेली थी, छत पर वहाँ पर बैठ के अपने मोबाइल से बात कर रही थी, और बाद में वो पैरापेट वाल से नीचे उतर के जो छज्जा है उसके ऊपर बैठी थी, जो कि वो बिल्कुल डेंजरस है, वहाँ बैठना नहीं चाहिए। तो कैसे क्या है उसका पूरा मामला मालूम करना पड़ेगा। इधर इधर तो फिर वहाँ पर वो मोबाइल उसका वहाँ पड़ा था, चप्पल वहीं पड़ा, और वो नीचे गिरी पड़ी है। जो है शोध वाला विषय है कि वो नीचे कैसे गिरी। वो और बाद में इसके बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह तुरंत आ गए है, कारण वगैरह कुछ पता नहीं, वो क्या हुआ है वो आगे का काम है, वो पुलिस अपना काम करेगी। बाकी इधर जब ही हादसा हुआ तभी हमारे मतलब रजनी के जो चेयरमैन है सिंह साहब, इन्होंने फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस सबको अरेंज करके इधर बुलाया है, और अभी उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया है। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई थी? दमकल की 2 गाड़ियाँ थी। कितनी घंटे के मशक्कत के बाद लड़की को सही सलामत निकाला गया? लगभग एक घंटे के बाद में निकाला। एक घंटे बाद? क्या उन्हें ज़्यादा चोटें आई हैं? हाँ, एक पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है। मेरा नाम है अभय, मेरे को पुलिस अंकल को थैंक यू बोलने का है, डॉक्टर अंकल को थैंक यू बोलने का है, मेरे को योगम हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला मेरे को, और उन्होंने आपकी जान बचाई। उन्होंने मेरे को जान बचाया और अच्छी ट्रीटमेंट दी, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए थैंक यू।
मेरा नाम अच्छीलाल है। मैं खाना बनाते समय गैस का बटन भूल गया था, गैस चालू था और मैं और मेरा बेटा अंदर सोए थे और हम लोग बेहोश हो गए और मेरा आँख खुला तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में मिला। आपको किसने बताया कि आपके साथ क्या हुआ था? हमारे रिश्तेदार लोग बताए कि हाँ आप बेहोश हो गए थे और हम लोग आपको हॉस्पिटल लाए। पुलिस और डॉक्टर ने आपकी पुलिस यहाँ पुलिस मिला, आँख खुला तो पुलिस और डॉक्टर मिले कि आप बेहोश थे, हम लोग आपकी जान बचाए। रिश्तेदारों ने कहा कि अगर रिश्तेदारों ने देरी हो जाती हाँ देरी होती तो आपकी जान जा सकती थी, इसके लिए हम लोग आपको यहाँ हॉस्पिटल में लाए और एडमिट किए और यहाँ हमारे बच्चे का और हमारा जान बच गया। तो मैडम मतलब कि यहाँ पे सब सुविधा अच्छा है मैडम, ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं यहाँ के, यहाँ पे जो स्टाफ लोग थे तुरंत एडमिट किए, वहाँ पे तुरंत हम लोग लेके आए। इसके बाद जो है यहाँ पे अपना सर के वजह से और अपने मानिकपुर पुलिस चौकी की वजह से दोनों जन का जान बच पाया है। 5 मिनट हम लोग अगर देरी किए होते तो पुलिस वहाँ नहीं पहुंची होती तो हम लोग गाला नहीं खोलते, क्योंकि ये केस तो बन गया था, हम लोग को भी डर लग रहा था अंदर से कि अंदर क्या हो गया है। तो इसके लिए पुलिस और अपना सर की वजह से जान बची है। मेन चीज के हॉस्पिटल में सुविधा सारी है, इसके लिए जान बच पाई है, ठीक है। यहाँ पे सुविधा नहीं होती तो एडमिट भी नहीं लेते सर, सर एडमिट लिए कि यहाँ सारी सुविधा फैसिलिटी है और पैसे भी यहाँ पे कम लगते हैं, मतलब कम से कम में भी जैसा आदमी मतलब अपने हिसाब से सर ने देखा हम लोग को, गरीब हम लोग हैं उसके हिसाब से हम लोग को भी रिजनेबल भी किया सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।